मूवी स्टार्ट होती है एक आइलैंड को दिखाते हुए। ये दुनिया में एक ऐसा आइलैंड था जिसे डिस्कवर ही नहीं किया गया था, यानी उस आइलैंड के बारे में अभी कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अब हजारों साल बाद चाइना की एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ने इस आइलैंड को डिस्कवर कर लिया था। वो कंपनी अपने हजारों वर्कर्स के साथ इस आइलैंड पर आती है और जैसे ही वो लोग ऑयल निकालने के लिए वहाँ पर खुदाई शुरू करते हैं तो उन्हें खुदाई के दौरान बहुत बड़े बड़े स्केलेटन नजर आते हैं। ये स्केलेटन तकरीबन हजारों साल पुराने थे और ऐसे जानवरों के थे जो के अब एक्सटेंट हो चुके हैं। यहाँ का मैनेजर इन सब चीजों के बारे में अब अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है और हमें पता चलता है कि असल में उस आदमी को भी हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था और क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो इस आइलैंड को एक म्यूजियम पार्क बना दे जहाँ पर लोग आकर हिस्टोरिकल चीजें देखेंगे और उससे वो बहुत सा पैसा कमा लेगा। वो उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट को भेजता है। आर्कियोलॉजिस्ट यानी वो आदमी जो कि पुरानी चीजों पर रिसर्च करते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जमीन के नीचे उन्हें किसी बहुत बड़ी चीज के होने का अंदाजा हो रहा था। उनको लग रहा था कि जमीन के नीचे कोई जिंदा चीज है जो कि सांस ले रही है, इसीलिए वो सब लोग ये देखने के लिए कि उस जगह के नीचे क्या है उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं। और इस जमीन के टूटने के बाद उस जगह से एक बहुत बड़ा स्नेक निकला था। वो एक फीमेल स्नेक थी जो कि बहुत हजारों साल से जमीन के नीचे सो रही थी और अब ये धमाका जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर किया था उसकी वजह से वो उठ गई थी और इसीलिए वो स्नेक बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो अपने गुस्से में अपनी टेल से सभी वर्कर्स को वहाँ से दूर गिराती है और वो सभी लोग किसी छोटी छोटी डॉल्स की तरह वहाँ से दूर जाकर गिरते हैं। स्नेक वहाँ हर चीज को तबाह करता जा रहा था जिसके नतीजे में बहुत सारे वर्कर्स मर चुके थे और अब इसी दौरान बचे हुए वर्कर्स को यहाँ से किसी और जानवर की आवाज आने लगी थी जिसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज थी और इससे उन सब ने अंदाजा लगाया था कि ये जानवर और भी ज्यादा पावरफुल है। और अब अचानक मूवी में हमें उसका बहुत बड़ा सा फुट दिखाया जाता है जहाँ वो अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उस जगह पर आ रहा था जहाँ स्नेक था और अपने पाँव के नीचे वर्कर्स को देखकर मार रहा था। और यहाँ हम पर रिवील हुआ था कि असल में ये डायनासोर इन इंसानों को खाने के लिए नहीं आए थे बल्कि ये डायनासोर तो स्नेक से लड़ने के लिए आए थे क्योंकि हजारों साल से डायनासोर्स और स्नेक्स के दरमियान में लड़ाई चल रही थी जिसका अंदाजा हमें इस चीज से भी हुआ था कि इस पूरे आइलैंड पर जितने भी स्केलेटन्स थे वो या तो स्नेक्स के थे या तो डायनासोर के। और हमें पता चला था के हजारों साल की इस जंग के बाद ये स्नेक अपनी लाइन एज का आखिरी स्नेक था, यानी अपनी नस्ल का आखिरी स्नेक था और दूसरी तरफ के डायनासोर्स भी सिर्फ दो तीन ही थे। और आखिर काफी सौ साल बाद जागने के बाद ये डायनासोर और ये स्नेक अपनी इस जंग को खत्म करना चाहते थे। मूवी में यहीं से सीन कट होता है और हमें चाइना में उस ऑयल रिफाइनिंग कंपनी के बॉस को दिखाया जाता है जिसमे वो अपने न्यू आइलैंड की डिस्कवरी के बारे में बता रहे थे। वो सबको बताते हैं कि यहाँ से उन्हें कुछ हिस्टोरिकल चीजें मिली हैं इसीलिए वो लोग अब उस आइलैंड को एक विजिटिंग पार्क बना रही हैं। और फिर अब मूवी में हम एक बच्चे को देख रहे थे और उस बच्चे के बारे में हमें पता चला था कि वो बच्चा अपने लाइफ में होने वाले एक्सीडेंट की वजह से आज तक डरता है और उसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी टांग भी फ्रैक्चर है। उस बच्चे की मॉम जिसका नाम काई है उसे न्यू आइलैंड के दो विजिटिंग टिकट्स देती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम बहुत से विजिटर्स को उस आइलैंड की तरफ जाते हुए देख रहे थे और उन्हीं विजिटर्स के साथ उसी वैन के अंदर उस आइलैंड के मालिक यानी उस ऑयल कंपनी के बॉस भी थे। तभी रास्ते में काई की विंडो से एक क्रो टकरा जाता है जो कि दिखने में बहुत बड़ा था और काई के साथ साथ सभी लोग उस क्रो को देखकर डर गए थे जबकि वो क्रो विंडो के साथ लगने की वजह से मर चुका था। और विंडो से बाहर देखते हुए काई को एक पहाड़ी के ऊपर से वो स्नेक भी चलता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा था कि काई को समझ ही नहीं आई थी कि वो क्या चीज है। और उसी दौरान बस के ड्राइवर को अब बड़े बड़े दो पत्थर आसमान से उनकी तरफ आते हुए नजर आ रहे थे जिससे बचने के लिए अब ड्राइवर दूसरी साइड पर टर्न ले लेता है जिसकी वजह से उनकी बस अब जंगल में चली गई थी और आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उसकी बस एक दरख्त से टकरा कर रुक गई थी जिसके बाद सारे विजिटर्स अब उस बस से निकल गए थे। यहाँ अब वो बच्चा काई और एक आदमी चलते चलते एक झील तक आते हैं और वो बच्चा बातें करते करते दूसरी चीजों को देखने लग जाता है जबकि यहाँ दूसरी तरफ एक अजीब सा मॉन्स्टर जो कि बिल्कुल फ्रॉग जैसा लग रहा था वो अपनी अजीब सी फ्लावर टंग से उस आदमी को पकड़कर खा लेता है। और कुछ खतरे का अंदाजा होते ही जैसे काई पीछे देखता है तो वो फ्रॉग मॉन्स्टर अब काई को भी खाने लगा था लेकिन काई बहुत हाजिर दिमाग था इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से बचकर पानी में जंप कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर उसे नहीं खा पाता।
रहा था। जहाँ दूसरी तरफ अब हम उस आर्कियोलॉजिस्ट को देख रहे थे जो इन विजिटर्स के साथ आए थे। उनकी एज काफी ज्यादा थी और अब वो उस पत्थर को देख रहे थे जो हवा में से उनकी बस की तरफ आए थे। उनको उस पत्थर के ऊपर से कुछ म्यूकस मिलता है। जिस ग्रीन कलर के म्यूकस को चेक करने पर उन्हें पता चला था कि ये एक स्नेक का स्लाइवा है, जिससे उन लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर जिंदा और एक बहुत बड़ा स्नेक है। वो आर्कियोलॉजिस्ट सबसे कहता है कि हमें फौरन से पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये आइलैंड खतरनाक है। और अभी वो सब लोग यही बातें कर ही रहे थे कि इतने में पहले वाला बड़ा सा फ्रॉग मॉन्स्टर उन सब पर अटैक कर देता है। सारे विजिटर्स उन्हें देखकर डर गए थे क्योंकि वो एक एक करके विजिटर्स को खा रहा था। वो सब लोग अब एक बस में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर फ्रॉग ने उनकी जान अभी भी नहीं छोड़ी थी। वो अपनी टंग से विंडोज को तोड़ते हुए बस के अंदर अटैक कर रहा था, और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर बस के अंदर से लोगों को खाता, अब यहाँ पर वो बहुत बड़ा स्नेक आ गया था जिसने उनकी बस को अपनी टेल में फोल्ड करते हुए हवा में उठा लिया था। और इस दौरान हमने देखा था कि एक लड़की बस से नीचे गिरकर मर गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अब स्नेक बस के अंदर देख रहा था, जहाँ वो सारे लोग भी इतने बड़े स्नेक को देख सकते थे। और वो सब स्नेक को देखकर शॉक थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना बड़ा स्नेक कभी नहीं देखा था। और अभी वो स्नेक उन सबको देख ही रहा था कि स्नेक को डायनासोर्स की आवाज आने लगी थी। वो जल्दी से अपनी टेल से बस को नीचे गिराता है और वहां से भाग जाता है। और क्योंकि बस बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरी थी, इसीलिए सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। और दूसरी तरफ हम दोबारा काई को देख रहे थे, जिसके पीछे अभी तक फ्रॉग मॉन्स्टर लगा हुआ था, जिससे बचने के लिए काई अब एक ट्री के होल में छुप गया था। और फ्रॉग के उस ट्री को टच करने से वो ट्री घूमता हुआ एक ऐसी जगह पर जाकर गिरता है जहाँ पर उस स्नेक के एग्स थे। और यहाँ हमें उस स्नेक के बारे में ये भी पता चला था कि उस स्नेक को एग देने के लिए 500 साल का एक लंबा टाइम गुजारना पड़ता है। और फिर जब वो एग्स दे देती है तो वो उनकी हिफाजत अपने से ज्यादा करती है। काई जैसे ही अपने कदमों के नीचे देखता है तो उसे कुछ अजीब चीज नजर आ रही थी। असल में वो स्नेक की स्किन थी, जो कि इंजर्ड होने पर कोई भी स्नेक अपने ऊपर से उतार देता है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत जल्दी रीहील हो जाती है। और उनको पहली स्किन उतारने से जल्द ही दूसरी स्किन मिल जाती है, और दूसरी स्किन के साथ वो लोग पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब काई चलते चलते आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे बहुत बड़े बड़े एग्स नजर आ रहे थे। उसने जिंदगी में कभी इतने बड़े एग्स नहीं देखे थे, इसीलिए वो उन एग्स को देख कर बहुत ज्यादा हैरान था। वो वहाँ पर रखी सभी चीजों को हैरत से देख ही रहा था कि एक बहुत बड़ा डायनासोर वहाँ पर अचानक आ गया था, जिसे देखते ही काई भी बहुत ज्यादा डर गया था। और वो उसे बचने के लिए उन बड़े बड़े एग्स के पीछे छुप जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक डायनासोर ने काई को नहीं देखा था। डायनासोर उस स्नेक का एक एग तोड़ता है और उसमें से निकलने वाली हर चीज को खा लेता है। और उसी दौरान अब डायनासोर को यहाँ एक इंसान की भी आहट सुनाई देती है, और वो आहट काई की ही थी। अब डायनासोर उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे मूव करता है उसकी बॉडी की वजह से वहाँ रखे सारे स्नेक एग्स टूट जाते हैं। और काई डायनासोर से बचने के लिए अब एक एग शेल में छुप गया था, लेकिन आखिर डायनासोर ने भी उसे दोबारा ढूंढ ही लिया था और वो उसे बिल्कुल खाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर उस बहुत बड़े स्नेक की एंट्री होती है, जिसने आकर उस बहुत बड़े से डायनासोर को खा लिया था। लेकिन काई अब स्नेक को देखकर पहले से ज्यादा डर चुका था, क्योंकि ये स्नेक डायनासोर से बहुत ज्यादा बड़ा था। वो अब डर के मारे रो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको अब इस बहुत बड़े स्नेक से कोई भी बचाने नहीं आएगा, बल्कि वो स्नेक उसे खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्नेक ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि वो तो अपने टूटे हुए एग्स को देख रहा था, जिसमें से अब एक बेबी स्नेक निकला था। लेकिन वो बेबी स्नेक कुछ ही देर जिंदा रह पाया था और वो वहाँ पर मर चुका था, जिसे देखकर बड़े स्नेक को बहुत ज्यादा दुख हुआ था और वह जोर जोर से रोने लग गया था। इसी सब चीजों का फायदा उठाते हुए काई वहाँ से भाग जाता है। काई वहाँ से भागकर अब जंगल के दरमियान में आ चुका था, जहाँ पर उसे बहुत से जानवरों की हड्डियाँ मिल रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर रहा था। और अब आगे आने पर उनका सामना होता है ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स से, जो प्लांट्स फूड के तौर पर एनिमल्स को खाया करते थे, और अब वो प्लांट्स काई को खाने वाले थे। लेकिन किसी न किसी तरह काई उनसे बच जाता है, लेकिन वो बचकर वहाँ से भाग नहीं पाया था, बल्कि वहीं पर गिर गया था। और अब वो सारे प्लांट मिलकर काई को खाने ही वाले थे कि यहाँ पर उसे बचाने के लिए दोबारा स्नेक आता है। लेकिन काई को बचाते बचाते स्नेक की बॉडी के अंदर उन प्लांट्स का एक पार्ट स्टैब हो गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत पेन हो रहा था। और अब वो काई के सामने आकर उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे निकाल ही नहीं पा रहा था। ये देखते हुए काई अब एक प्लांट से बायल लेकर आता है, यानी प्लांट्स की रोप लेकर आता है, और उस स्टिक के साथ टाई यानी बांध देता है, जो स्टिक स्नेक के
से अंदर स्टैब हुई हुई थी। स्ट्रोप से काय स्टिक को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, जिसके साथ स्नेक भी अपनी बॉडी को टर्न करता है और एक झटके से वो स्टिक स्नेक की बॉडी से निकल जाती है। और यहाँ काय को अब ये भी पता चल गया था कि वो स्नेक उसका दुश्मन नहीं है, यानी वो उसको खाना नहीं चाहता। और जाते जाते अब स्नेक वहाँ पर एक ट्री को भी हिला गया था, जिसके ऊपर से कुछ एप्पल्स नीचे गिरे थे, जिसे काय ने खा लिया था। अब यहाँ दूसरी तरफ हम दोबारा उन विजिटर्स के ग्रुप को देखते हैं, जिसके अंदर काय की मॉम आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ साथ वहाँ पर ड्राइवर भी था। वो लोग काय को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ हमें ये भी पता चला था कि वो विजिटर्स दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं और एक ग्रुप वहाँ से गुम हो चुका है। यहाँ जहाँ एक ग्रुप काय को ढूंढने के साथ साथ बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहा है, वहीं दूसरा ग्रुप भी इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। और इस काम को करते करते अब वो लोग उस जगह तक पहुँचे थे जो जगह हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई जा रही थी। वो लोग किसी भी तरह अब यहाँ से बाहर जाना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और तभी यहाँ से उन्हें अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो गई थी। उन लोगों को ये तो अंदाजा था कि वो एक जानवर की आवाज है, और आवाज के बहुत ऊंची होने की वजह से ये भी अंदाजा हो चुका था कि ये जिस भी जानवर की आवाज है वो बहुत ही बड़ा है। और कुछ ही सेकंड में अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डायनासोर अपीयर हुआ था, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। और अब कंपनी का बॉस गाइड को उस डायनासोर की वीडियो बनाने का कह रहा था, और वो भी अब डरते हुए अपना कैमरा ऊपर करता है, लेकिन जाते जाते वो डायनासोर उन दोनों को अपनी टेल मार देता है, जिससे वो दोनों ही गिर जाती हैं। और अब दूसरी तरफ हम जंगल में दूसरे ग्रुप को देख रहे थे, जो कि काय को भी ढूंढ रहे थे। और जंगल में उन्हें एक बहुत बड़े मेल स्नेक की बॉडी मिली, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा था ये करीबन 500 साल पुरानी है, और क्योंकि इस स्नेक की स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए ये अब तक बिल्कुल ठीक है। और अब इन सब के बाद हम दोबारा काय को देख रहे थे, जो कि बदकिस्मती से दोबारा डायनासोर के पास पहुंच गया था, और वहां पर डायनासोर उस मॉन्स्टर फ्रॉग को खा रहा था। वो डर के मारे चीख मारने ही वाला था कि काय की मॉम जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे एक बहुत बड़े से पत्थर के पीछे खींच लेती हैं, लेकिन यहाँ उस डायनासोर ने उन सबको देख लिया था। और वो डायनासोर जैसे ही उन सबको खाने के लिए मुंह खोलता है तो वो सब लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन डायनासोर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था, बल्कि वो उनको खाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। और इस भागम दौड़ी में अब काय नीचे गिर चुका था, जबकि बाकी सब लोग आगे जा चुके थे। जैसे ही काय की मॉम को ये पता चलता है कि उनका बेटा पीछे गिर गया है, तो वो भी वापस उसे बचाने के लिए आती हैं, जबकि इस दौरान डायनासोर बाकी तीन लोगों को अपनी टेल मारता है, जिसके नतीजे में वो लोग वहां से गिरते हुए कहीं और पहुंच जाते हैं। और अब डायनासोर उन लोगों को इग्नोर करते हुए काय और उसकी मॉम के पीछे था। वो दोनों जल्दी से एक केव के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही डायनासोर उनको खाने के लिए उन पत्थरों के अंदर अपना मुंह करता है, तो उसका मुंह वहीं पर फंस जाता है। लेकिन इस जगह पर भी वो सेफ नहीं थे, क्योंकि जहां उन्होंने एक डायनासोर से पीछा छुड़ाया, तो यहां अब उनके सामने दो डायनासोर थे। और अब वो दोनों डायनासोर अपने शिकार यानी काय और उसकी मॉम को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे, और यहां उन दोनों ने भी अपनी फेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अब मर जाएंगे। पर इससे पहले कि वो डायनासोर उनको खा लेते, यहाँ पर एंट्री होती है स्नेक की, जो कि अपनी टेल से उन दोनों डायनासोर को एक ही टाइम में वहाँ से दूर गिरा देता है, जिसके बाद हमें डायनासोर और स्नेक के दरमियान में बहुत बुरी फाइट दिखाई जा रही थी। वो दोनों डायनासोर जोर जोर से अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं, जिससे बाकी डायनासोर भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ स्नेक बिल्कुल अकेला था, लेकिन उससे लड़ने के लिए यहाँ बहुत से डायनासोर थे, जिन्होंने आते ही अपने मुंह से उस स्नेक को पकड़ लिया था। और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बस का ड्राइवर आकर काय और उसकी मॉम को बचाकर वहां से ले गया था। सीन्स दोबारा स्नेक की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, जो कि बहुत सारे डायनासोर से अकेला लड़ रहा था, और इस दौरान उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, पर उसने हार नहीं मानी थी और सारे के सारे डायनासोर को उसने मार गिराया था। और फाइट के एंड पर हम लोग देख रहे थे कि सारे डायनासोर वहां पर मर चुके थे और स्नेक वहां पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन वो फिर भी जिंदा था। और अब वो जैसे तैसे अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर रिंगते हुए दोबारा अपने केव में चला जाता है। ये वही केव था जिसमें स्नेक ने पहले अपने एग्स दिए हुए थे और जिसमें पहले काय भी आ चुका था। वो यहाँ अपनी पहली स्किन को उतार देता है और अपने आप को रीहील को उतार देते हैं और अपने आप को रीहील करते हैं, तो न्यू स्किन के साथ साथ उन्हें न्यू पावर्स भी मिलती हैं, जिस दौरान वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ प्रोसेस अब इस स्नेक के साथ हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ हम काय के ग्रुप को देख रहे थे, जिसमें आर्कियो
आर्कियोलॉजिस्ट भी था। वो लोग बहुत मुश्किल से जंगल से निकलकर उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर बहुत बड़े बड़े स्केलेटन्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी पूरी जिंदगी इन चीजों पर रिसर्च करते हुए लगा दी थी, पर उसे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। और अब यहां पर भी वो आर्कियोलॉजिस्ट इन सबको बताता है कि यहां दो अलहदा अलहदा स्पीशीज के ढांचे हैं, जिसका मतलब था यहां दो स्पीशीज के दरमियान में, यानी दो तरह के जानवरों के दरमियान में लड़ाई हुई थी, और उसी जंग में मरने वाले लोगों के स्केलेटन हमें यहां पर देखने को मिल रहे थे। और उन्हीं सब चीजों के दरमियान में काही जो इधर उधर फिर रहा था, उसे जमीन पर एक कैमरा मिलता है जिसकी वीडियो देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुका था। असल में ये कैमरा उसी विजिटर का था जिसको यहां के ऑनर ने वीडियो बनाने का कहा था। अब जैसे ही काई ने अपनी आंखों के आगे से वो कैमरा नीचे किया तो वहां का ऑनर बहुत ही वियर्ड अंदाज में उसको देख रहा था, जिसको अचानक देखते ही काई डर चुका था। और तभी अचानक वो आदमी काई को बहुत बुरे तरीके से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर एक नाइफ रखकर उन सबसे कहता है कि तुम सब लोगों में से कोई भी इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता, तुम लोगों को यहीं पर मरना होगा, क्योंकि अगर यहां से कोई बाहर चला गया तो इस आइलैंड की सच्चाई सब पर खुल जाएगी और इस आइलैंड को बंद कर दिया जाएगा, जबकि मैं इस आइलैंड पर बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुका हूँ। उनकी इसी बातों के दरमियान में यहाँ अचानक दोबारा डायनासोर की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ वो सब लोग तो भाग चुके थे, पर उस आइलैंड का ओनर अब बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो भागने के बजाय डायनासोर के आगे डटकर खड़ा हो गया था। लेकिन उसकी इस बहादुरी का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि डायनासोर ने अपने बड़े से पांव से उसे एक ही झटके में मार दिया था। अब यहाँ बाकी सारे लोग एक जीप में बैठ चुके थे और जैसे ही डायनासोर उन पर हमला करने वाला था, ड्राइवर अपनी जीप को पीछे की तरफ मूव कर है, जिसके रिजल्ट में वो डायनासोर के इस अटैक से तो बच जाते हैं, पर डायनासोर उनको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो जितनी तेजी से अपनी जीप मूव कर रहे थे, उतनी ही तेजी से डायनासोर उनकी तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर गाड़ी को डायनासोर के इर्द गिर्द गोल गोल घुमा रहा था, जिससे वो डायनासोर से बच भी रहे थे, पर उसके रिजल्ट में डायनासोर को गुस्सा आ चुका था और वो अपनी टेल को जोर से घुमाता है और वहाँ पड़ी हुई एक बहुत बड़ी सी रॉक बहुत से पत्थरों में चेंज होती हुई आसमान में गिरकर उनकी जीप तक आती है, जिससे बचने के लिए ड्राइवर अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। लेकिन इस सब के दौरान वो ये नहीं देख पाया था कि जहां उसने गाड़ी को टर्न लिया है, वहां सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है जिससे टकरा कर अब उनकी गाड़ी वहीं पर रुक गई थी। और इस तरह अब वो लोग बिल्कुल डायनासोर के सामने आकर रुक गए थे। लेकिन उन सबकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर स्नेक ने एंट्री की थी और स्नेक के अपनी टेल के एक छोटे से अटैक से ही वो डायनासोर उन लोगों से दूर जाकर गिर गया था। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्नेक ट्री हील करने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और अब वो गुस्से में भी नजर आ रहा था। और अब हमें पता चल रहा था कि ये स्नेक और ये डायनासोर अपनी अपनी लाइन एज के आखिरी जानवर थे और वो हजारों साल पहले की अपने लाइन एज के दरमियान होने वाली जंग को खत्म करने के लिए आज आमने सामने थे। वो दोनों बहुत बुरी फाइट कर रहे थे और एक जितने पावरफुल थे, लेकिन हार मानने को कोई भी तैयार नहीं था। यहाँ डायनासोर ने स्नेक की टेल को अपने मुंह में लेते हुए स्नेक को हवा में उठाते हुए एक पत्थर पर गिराया था और यहाँ स्नेक अब दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान अब हम काई की मॉम को देख रहे थे जो कि जीप के अंदर बहुत सारे बॉम्ब्स फिट कर रही थी, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि डायनासोर उन्हें खा रहे हैं जबकि स्नेक उन्हें बचा रहा है। इसलिए वो आर्कियोलॉजिस्ट से कहती है कि मैं ये जीप डायनासोर तक लेकर जाती हूँ और जैसे ही मैं कार से जंप करूंगी तो आप इस कार में रखे हुए बॉम्ब्स को एक्सप्लोर कर देना। जिसके बाद हम देख रहे थे कि काई की मॉम ने ऐसा ही किया था, लेकिन यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट जिसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट था वो काम नहीं कर रहा था। और यहाँ सबसे होशियारी का काम अब वो बस ड्राइवर करता है। वो एक स्टिक पर एक कपड़ा बांधकर उसमें ऑयल लगाता है और उसको जलाकर वहाँ से भागता है उस स्टिक को कार के अंदर फेंकने के लिए, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था इसीलिए वो भी दो चार कदम से आगे नहीं जा पाया था। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट की ग्रैंड डॉटर जल्दी से वो स्टिक पकड़ कर जीप की तरफ भाग रही थी, लेकिन यहाँ पर वो हवा में उड़ने वाले एक पत्थर से टकरा कर गिर चुकी थी और अब इस काम को करने के लिए सिर्फ काई बचा था। इसीलिए वो तेजी से उस तरफ भागता है और बहुत तेज भागने की वजह से उसके टांग पर लगी हुई मेटल बैंडेज टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो गिर गया था। लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे ये काम जल्द अज जल्द करना था। वो अपनी सारी हिम्मत को जमा करता है और अपनी उस टूटी हुई टांग पर ही खड़ा होता है जिस पर बैंडेज थी, और अब वो बगैर किसी सहारे के भागते हुए उस स्टिक को उठाता है जिसके ऊपर आग जली हुई थी। और बगैर सहारे के काई को भागते हुए देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हुई थी। और अब फाइनली काई की वजह से वहाँ पर वो जीप ब्लास्ट हो चुकी थी, जिससे डायनासोर का ध्यान डाइवर्ट होकर उनकी तरफ हुआ था और इसका फायदा स्नेक ने उठाया था। स्नेक जल्दी से डायनासोर की गर्दन पर अटैक करता है और अपने मुंह में उसकी गर्दन लेते हुए उसकी गर्दन को तोड़कर उसे मार देता है, जिसके रिजल्ट में अब हजारों साल से चली आ रही ये जंग स्नेक जीत गया था। और यहाँ काई के ठीक होने की
वजह से काई की मॉम भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, जबकि स्नेक भी काई की तरफ देखकर बहुत खुश नजर आ रहा था। जिसके बाद यहीं से सीन कट होकर हम काई को उसके घर पर देख रहे थे, जहां वो टीवी पर आर्कियोलॉजिस्ट और उसके ग्रैंड डॉटर का इंटरव्यू देख रहा था। वो लोग न्यूज में उस आइलैंड और अपने किए हुए एडवेंचर के बारे में सबको बता रहे थे, और इसी के साथ हम देख रहे थे कि वहां पर काई ने उस स्नेक और डायनासोर की एक डमी अपने रूम में रखी हुई थी, जिसको दिखाते हुए ये मूवी यहां पर एंड हो जाती है।